पकड़ा गया और दुकान के बाहर छिपाकर माल भी रखा हुआ था, जिसको भी टीम ने जब्त किया है। सीज कार्रवाई को लेकर नगर परिषद कार्मिकों पर दुकानदार भड़क गए। नगर परिषद कार्मिकों पर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक रसूख भी दिखाया गया। तो ये तस्वीर आपके सामने, किस तरह से प्रदेश में कोरोना की लगाम बेलगाम होती जा रही है और इसी के चलते 3 मई तक कर्फ्यू का ऐलान किया गया, लेकिन बावजूद इसके दुकानदार सुधरने का नाम नहीं ले रहे। दुकान के अंदर बाहर शटर लगाकर और उसके बाद ग्राहकों को सामान बेचा जा रहा है और इसी के चलते अब नगर परिषद किशनगढ़ की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 3 दुकानों को सीज किया है।